एम थ्योरी से आपके पास 11 आयामी स्पेस होता है। मैंने आपको इस तथ्य के बारे में बात करते सुना है कि एक खास संख्या में ब्रह्मांड के चक्र हुए हैं 84। इन 21 में से 10 लगभग अभौतिक हैं, बाकी 11 थोड़े हल्के तौर पर भौतिक हैं। अगर आप सृष्टि के इस हिस्से को देखें तो पूरा सृजन एक पच्चिन के रूप में मौजूद है। पच्चिन को देखकर मैं जानता हूं कि ये किधर जा रहा है। और फिर मैंने जो बात कही वो ये थी कि भौतिक विज्ञान भी दावा करता है कि अधिक आयाम मौजूद हैं, क्योंकि न्यूटन के पास 3 आयामी स्पेस था। आइंस्टीन ने कहा कि 4 आयामी स्पेस है। स्पेस और समय का विलय हुआ, जो निश्चित रूप से आपकी पहले कही गई बात से सहमत है कि स्पेस और समय मूल रूप से एक ही हैं। और फिर मैंने समझाया कि कैसे उन्होंने विद्युत चुंबकत्व को समझाने के लिए 5वां आयाम जोड़ा, और फिर कैसे उन्होंने सभी भौतिक अंतरक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत में 6 और आयाम जोड़े। तो फिर आपके पास एक 10 आयामी दुनिया थी। और फिर अंत में मैंने कहा, एम थ्योरी से हमें यह विचार आया कि एक और आयाम था, तो आपके पास एक 11 आयामी स्पेस है। और सदगुरु ने एक आकर्षक टिप्पणी की जो मेरे लिए नई थी, कि वास्तव में 11 आयाम ही हैं जिनका जिक्र कुछ परंपराओं में है। हम उस पर फिर से बात कर सकते हैं। हमने बात शुरू की ब्रह्मांड के चक्रों को लेकर, और कुछ ऐसा था जिसने मुझे आकर्षित किया आपकी किसी फिल्म बल्कि एक साक्षात्कार में। मैंने आपको इस तथ्य के बारे में बात करते हुए सुना है कि एक खास संख्या में चक्र हुए हैं 84 बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान हूं, 84 की संख्या कहां से आई और 84 ही क्यों? देखिए, बिग बैंग के बारे में लगातार बात हो रही है। मैं एक वैज्ञानिक से बात कर रहा था जिन्होंने अंतहीन ब्रह्मांड पर एक किताब लिखी है। हाँ, अंतहीन ब्रह्मांड किताब का यही शीर्षक है। हाँ, फिर मैंने उनसे एक आसान सवाल पूछा, क्या यह संभव है कि कई धमाके हुए हों? उन्होंने इस तरह किया और फिर उन्होंने कहा, संभव है। फिर मैंने कहा, अगर कई धमाके हुए, देखिए, अगर आपके पास एक ऑटोमोबाइल है, अगर आप मैनिफोल्ड हटाते हैं तो आप देखेंगे कि इंजन धम 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 करेगा। अगर आप रेस लेंगे तो ये गरजने लगेगा। तो मैंने कहा, अगर धमाकों की एक श्रृंखला रही होगी तो क्या यह गर्जना हो सकती है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, संभव है। मैंने कहा, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि यह गर्जना है, तो हमने पहले रूप को रुद्र कहा। रुद्र का अर्थ है गरजने वाला। उसने गर्जना की इस तरह। फिर इसे बताने के लिए हमने कई रूप विकसित किए। ये काल था, ये महाकाल था, ये काल था, ये रुद्र था, ये पहला रूप है। और फिर कई रूप आए, वो कैसे आए, इसके कई पहलू हैं। तो ये 84, इन 84 में से कई विसर्जित हो गए हैं। उनके थोड़े अस्पष्ट पच्चिन मौजूद हैं, लेकिन वो विसर्जित हो गए हैं, लेकिन पच्चिन यहां मौजूद हैं। उनमें से 21 के पच्चिन थोड़े बड़े हैं। इन 21 में से 10 लगभग अभौतिक हैं, अभौतिक मान लीजिए, बाकी 11 कुछ हद तक हल्के भौतिक हैं, लेकिन अंतिम 4 ठीक ठाक भौतिक हैं। तो इस संख्या 21 को हम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उसे 21 मिनट में 21 तरीकों से और ये सब करते हैं, क्योंकि इन 21 के पच्चिन अभी भी मौजूद हैं। अगर आप अपनी भौतिकता से पूरी तरह ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको सभी 21 से ऊपर उठना होगा, लेकिन आपको उन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भौतिक प्रकृति से ऊपर उठते हैं, केवल भौतिक शरीर से नहीं बल्कि जानकारी भी भौतिक है। आपके पास मौजूद सभी जानकारी जो आपको आप बनाती है, चाहे मृत हो या जीवित, फिर भी ये आपको आप बनाती है। हम उससे भी ऊपर उठना चाहते हैं, तो उस छाप में ये सब मौजूद है। और 84 में से 21 अभी भी विभिन्न स्तरों पर व्यक्त हैं। शब्दों की कमी के कारण मैं कह रहा हूं क्षणभंगुरता से,
क्षण भंगुरता के लगभग गैर मौजूद से 21 से नीचे दूसरे वो पूरी तरह से चले गए हैं, लेकिन उनके 55 अभी भी मौजूद हैं। उनका कोई असर या प्रभाव नहीं है, उनके गुण हम पर अंकित नहीं है, लेकिन ये 21 गुण हमारे अंदर हैं। और ये कितने होंगे? 112 होंगे, 112। इनमें से प्रत्येक को उन्होंने जो भी गणना की है, इतने योजन, कितना समय लगेगा, ये मेरी गणना नहीं है। संख्याओं का खेल मेरा खेल नहीं है। तो 112 बार ऐसा होगा। उसके बाद ये इस तरह से अभिव्यक्त होगा कि ये अभौतिक होगा और एक शाश्वत ब्रह्मांड बन जाएगा। एक अभौतिक ब्रह्मांड खुद को व्यक्त करेगा कि उसे भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अस्तित्व में है, और यहां तक कि व्यक्तिगत अस्तित्व भी हो सकता है, हम नहीं जानते। ऐसा हो सकता है या बस एक बड़े रूप में घट सकता है, लेकिन भौतिकता के बिना ब्रह्मांड की ठीक ठाक अभिव्यक्ति जब वैसा होता है तो वो अंतिम होता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये साधारण सी चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको बता दूं कि ये कैसे विकसित हुआ है, अगर आप इसके लिए गणितीय आधार बना सकें, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे समझ पाएंगे और आप दूर तक देख सकेंगे, भौतिक आंखों से नहीं बल्कि गणितीय रूप से। आप अभी जहां तक देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दूर तक देख सकेंगे। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये मानक आधुनिक ब्रह्मांडीय सिद्धांतों में से नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं वो ये है कि आपके पास ये चक्र हैं जो किसी न किसी चरण में सीधे भौतिक से परे विकसित होते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि वो इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। ये सब देखिए, क्योंकि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान एक खास तरीके से बनाया और व्यक्त किया गया है। ज्यादातर लोग, भारतीय मूल के लोग, ये जानते होंगे, एक कुंडलित सांप है जिस पर एक भगवान लेटे हुए हैं, उसे, उस सांप को शेष कहा जाता है। जब हम भारतीय भाषाओं में गणित सीखते हैं तो शेष का मतलब होता है बचा हुआ। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। बचे हुए को शेष कहते हैं, जो बचा है उसे शेष कहते हैं। हम अपनी आम भाषा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। शेष का मतलब है बची हुई कोई चीज। तो ये सांप ही वो शेष है जिस पर एक बार फिर सृष्टि शुरू होती है। तो ये बचा हुआ शेष पिछले 21 ब्रह्मांडों से बची हुई चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं बची हुई चीजों की छाप कम होती जाती है, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं ये बढ़ती जाती है, लेकिन आखिरी के चार महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए इनमें से केवल कुछ ब्रह्मांडों में ही चेतना थी। नहीं नहीं, वो भी सचेतन थे, पूर्ण रूप से व्यक्त ब्रह्मांड, लेकिन उनका समय समाप्त हो गया। मतलब जो काल था वो महाकाल बन गया, लेकिन इसने पदचिन्ह छोड़े हैं। कुछ पदचिन्ह बहुत स्पष्ट हैं, हम उनकी वास्तविक प्रकृति देख सकते हैं। कुछ पदचिन्ह बहुत हल्के हैं, जिन्हें हम मुश्किल से देख पाते हैं कि वो मौजूद हैं। और क्या 112 चक्रों के बाद यह विकास एक अभौतिक अवस्था की ओर है, और क्या ये चेतना के एक तरह के विकास के अनुरूप है? एक तरह से ये चेतना के क्रमिक विकास की तरह है कि भौतिक रूप के बिना भी ये खुद को अभिव्यक्त कर सकती है। ये बातें आज की नहीं है, बातें हजारों साल पहले कही गई हैं। वो ये सब कैसे जानते हैं? सीधी सी बात यह है, अगर आप सृष्टि के इस अंश में झांकें, तो पूरी सृष्टि एक पदचिन्ह के रूप में मौजूद है। मेरे पदचिन्ह को देखकर, मान लीजिए मैं बगीचे में घूमता हूं, तो मेरे पदचिन्ह को देखकर आप मेरा वजन, मेरी ऊंचाई, मेरी चाल माप सकते हैं। आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना होशियार हूं। मैं स्पेस में कैसे घूमता हूं, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आप कितने होशियार हैं। तो कई मायनों में इस सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को आप कभी भी भौतिक दृष्टिकोण से या यहां तक कि मानसिक दृष्टिकोण से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मन को हम एक भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। मन शरीर की ही थोड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, तो ये चीजें देखी नहीं जा सकती, लेकिन पदचिन्ह देखे जा सकते हैं। पदचिन्ह से आप ज्यादातर चीजें जान सकते हैं। सिर्फ एक चीज जो आप नहीं जान सकते वो है मेरा स्वभाव क्या है, आप नहीं जान सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर मैं किसी मुश्किल इलाके से गुजरता हूं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं कितना होशियार हूं।
आप समझ सकते हैं कि मेरी सोच क्या है। लोग जानवरों के पदचिन्ह देखकर ऐसा करते हैं, मैं खुद भी ऐसा करता हूं। पदचिन्ह देखकर मैं जान जाता हूं कि वो कहां जा रहा है, क्या उसे भूख लगी है या नहीं लगी है, क्या वो शिकार कर रहा है या बस इधर उधर घूम रहा है। मैं जंगलों में इसलिए बच पाया हूं क्योंकि मैं इन चीजों को बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूं। तो सृष्टि के पदचिन्ह को देखकर, अगर आपके पास बहुत सारी ये संख्याएं हैं, जो मेरे दिमाग में कोई संख्या नहीं है, मेरे पास केवल एक संख्या है, या कभी कभी ये इस तरह हो जाती है, मेरे पास कोई दूसरी संख्या नहीं है, उस वजह से मैं इसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन अगर आपके पास ये सारी संख्याएं हैं, अगर मैं आपको पदचिन्ह दिखाता हूं, तो क्या आप उस तक पहुंचने के लिए गणितीय मॉडल बना सकते हैं? अगर आप उसे बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे उनकी आंखें या उनकी दूरबीनें नहीं देख सकती।